बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही मज़े की एग बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करें। रहमानिर्रहीम, यहाँ सबसे पहले मैंने पैन में पानी उबलने के लिए रख दिया है और मैंने 2 कप बासमती राइस ऑलरेडी 45 मिनट से भिगो के रखे हुए हैं। तो जो ही ये पानी उबलता है तो इसमें मैं राइस डाल देती हूँ उबलने के लिए। यहाँ पानी उबल रहा है तो इसमें मैं राइस डाल देती हूँ जो कि ऑलरेडी सोक हो गया है। इसको मैंने तकरीबन 45 मिनट से भिगो के रखा। अभी हम इनको बस जहाँ पर एक का नहीं रहेगी तब तक मैं उबालूँगा और इसके बाद जो प्रेस वगैरह वो ड्रेन आउट कर देंगे। यहाँ पे देखिए चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ पे एक कनी रेडी हो चुकी है चावलों की, जमीन की एक कनी रह गई है। तभी हम इसका जो एक्सेस वाटर वो ड्रेन आउट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने जो राइस का एक्सेस वाटर वो ड्रेन आउट कर लिया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने पैन लिया है तो इसके गर्म होने पर मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। मैं तकरीबन 1/2 कप लूँगी। तो अभी ये गर्म होता है तो इसमें मैं कुछ खड़े मसाले सबसे पहले ऐड करती हूँ। गर्म हो चुका है तो इसमें मैं कुछ खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें बे लीव्स हैं और 3 गरी छोटी इलायची हैं ग्रीन कार्डमम और बड़ी इलायची हैं 2 मैंने ली हैं और जो टीस्पून ज़ीरा है और 2 जो हैं वो फूल हैं। तो अभी इनको हम अच्छी तरह से गोल्डन होने देते हैं। मसाले यहाँ पे हो चुके हैं थोड़े से गोल्डन ब्राउन, तो इसमें डाल देती हूँ मैं 4 मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं, उनको मैंने स्लाइसेस में काट लिया होगा और इसको हम मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। 10 मिनट गुजर चुके हैं तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून या वो जिंजर का पेस्ट और 1 ही टीस्पून डालूँगी गार्लिक का पेस्ट और इनको 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे अनियन को भून चुके, अदरक और लहसुन के साथ 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। तो अभी इसमें डाल दूँगी टमाटर जो कि मैंने 3 लिए हैं। अभी हम इसको 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। अभी यहाँ पे टमाटर अच्छे सॉफ्ट हो गए तो इसमें हम डालते हैं स्पाइसी। सबसे पहले डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, उसके बाद मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून जो है वो रेड चिली का पाउडर, क्योंकि मैंने थोड़ा चावल में भी डाला था सॉल्ट तो इस वजह से मैंने कम डाला। और इसको मैं डालूँगी फिर टर्मरिक पाउडर वो 1 टीस्पून में डालूँगी। बिरयानी मसाला वो मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून। इसमें डाल दूँगी कोरिएंडर का पाउडर वो मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। इनके सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून जो है वो लेमन जूस। और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं मसाले के साथ। योगर्ट का और इसको हम गैस कुक कर लेते हैं 3 से 4 मिनट तक। यहाँ पे एक और पैन लिया तो इसमें डाल देते हैं 2 टेबल स्पून जो मैं कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ये ऑप्शन है आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके गर्म होने पे मैं इसमें एग बॉईल किए हैं मैंने ऑलरेडी, तो उसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑयल अच्छा गर्म हो चुका है तो इसमें जो मैंने एग बॉईल कर लिया हुए इनको मैंने छील लिया हुआ, तब भी हम इनको फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट तक जहाँ तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं। अब इसमें डाल रही हूँ ग्रीन चिली जो कि मैंने 3 ली हैं, इसको मैंने धीरे में काट लिया हुआ। इसमें मैं डालूँगी धनिया और पुदीने के पत्ते जो कि मैं बारीक चॉप कर लिया हूँ और उसे हमारे एग फ्राई हो रहे हैं उनको देखें।
ज़्यादा हाथों पर गोल्डन ब्राउन कर रहे हैं। ये देखिए एग हमारे नाइसली गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं सारे के सारे। इनको बीच में मैं अलट पलट करती रही हूँ, तभी हम इसकी फ्लेम बंद कर देते हैं और जो हमारा मसाला बिरयानी वाला वो रेडी है तो उसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं मन वाला। इसको हम अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स कर लेते हैं। इसको मैंने ऑलरेडी चॉप करी अंडर और डाल दिया हुआ मिंट पीस, तभी हम इसमें जो बॉईल किए हुए राइस है वो ऐड करते हैं। अब इसमें जो राइस है वो ऑलरेडी मैंने बॉईल कर लिया है तो वो डाल देते हैं। इसमें डाल देंगे फूड कलर, एक मैंने एग येलो लिया और एक मैंने जो ऑरेंज कलर लिया डीप वाला, तो इनको हम डाल देंगे कलर्स को। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें लेमन के स्लाइसेस, डाल दूंगी मैं ग्रीन इसको 3 से 4 मिनट तक स्टीम कर देते हैं और इसके बाद हमारी एग बिरयानी रेडी टू सर्व। ये देखिए मैंने एग बिरयानी को सर्व कर लिया है, बहुत ही मज़े का इसको मैंने एग के साथ गार्निश किया है और आड़े धनिया के साथ बहुत ही मज़े की लग रही है। आप भी प्लीज़ इसी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है और प्लीज़ मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर टू फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। मैं आपको मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, गाँव में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।